हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लोथ डाइपर्स के बारे में। डाइपर्स दो तरह के होते हैं, डिस्पोजेबल और क्लोथ डाइपर्स। ये क्लोथ डाइपर्स दो का सेट है, इसके साथ मुझे दो इंसर्ट साथ में मिला हुआ है और जस्ट बगल में मल्टी कलर का कॉम्बो पैक है, जो 7 का कॉम्बो पैक है। ये बेबी बकेट से मैंने लिया है, इसके साथ कोई भी इंसर्ट नहीं मिला है, मुझे अलग से इंसर्ट खरीदना पड़ेगा। क्लोथ डाइपर्स की खास बात जो होती है वो ये होती है कि ये रीयूजेबल होता है, यानी कि हम इसे वॉश करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, और डिस्पोजेबल जो होता है वो यूज़ एंड थ्रो होता है। दूसरी खास बात होती है कि सेम क्लोथ डाइपर को हम लोग 0 मंथ से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्लोथ डाइपर कैसे यूज़ में लाते हैं। ये है क्लोथ डाइपर, बाहर से जो इसका फैब्रिक होता है वो वेट फ्री होता है, यानी कि वाटरप्रूफ होता है। इस पे बटन्स लगे होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, आप देख सकते हैं। ये पॉकेट दिया हुआ है जिसमें हमें इनर जो क्लोथ है जो माइक्रोफाइबर का बना हुआ है वो इंसर्ट करना होता है, जिससे कि इस क्लोथ डाइपर की कैपेसिटी और अच्छे से बढ़ जाती है। इसका साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छा साइज है। इसको हम इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करते हैं। जो क्लोथ डाइपर का वैसे तो इनर मटेरियल होता है, जो अंदर का कपड़ा आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा एब्जॉर्ब करता है, बट इंसर्ट यूज़ करने से इसकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्लोथ डाइपर्स को हम लोग 3 आवर्स से लेकर के 7 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लोथ डाइपर कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो देखिए, इन क्लोथ डाइपर्स पे लगे हुए बटन्स को हम लोग अपने बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न है तो आप सेंटर में लॉक करिए बटन्स को, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है आप बटन्स को एडजस्ट करके लगा सकते हैं। क्लोथ डाइपर्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, रीयूजेबल हैं, और अगर डिस्पोजेबल से कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमिकल भी है। तो क्लोथ डाइपर्स हमें, मेरे ख्याल से हमें यूज़ करना चाहिए। जब बेबी छोटा होता है तब हमें दिक्कत नहीं होती उतनी, तब तक हम लोग नैपीज यूज़ करते हैं और हमारा काम चल जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही कम अमाउंट में पी करता है। बट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है यूरिन की मात्रा बढ़ती जाती है, और जिससे कि काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, हम लोग इसको फुल डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं हम फुल डे के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, जब हमें कहीं बाहर जाना हो या फिर नाइट टाइम के लिए ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोथ डाइपर्स मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, और प्लीज़ आप इसे यूज़ करें। और आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग अपने बेबी वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और थाइस के पास भी इलास्टिक दिया हुआ है, जिससे लीकेज की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये है बेबी बकेट का लिया हुआ क्लोथ डाइपर, ये काफ़ी सस्ता पड़ा है मुझे, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये ट्रेडिशनली जो हम लोग क्लोथ नैपीज यूज़ करते हैं, ये पैडेड क्लोथ नैपी है, इसको टाई करके बच्चे को हम पहनाते हैं। ये न्यूबॉर्न से लेकर के 3 मंथ के लिए तो अच्छा होता है, बट आगे के लिए ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। ये है स्ट्रैप वाले नैपीज जो मैं पहले यूज़ करती थी, इसमें टाई करने की दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी आसानी से ये इसको क्लोज किया जा सकता है। तो ये नैपीज भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये नॉर्मल पैंट्स हैं जो हम लोग बेबी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा क्लोथ डाइपर्स के बारे में पर्सनल व्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।